स्कूल आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये हमारा सेवेंथ सेशन रहेगा। और आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारी प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप ये जिस नेट पेपर टू लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो वहां पर टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करी जाती है, और वो टर्म एंड कंडीशन दोनों पार्टीज पर, जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में है ना, उस पर आपकी एप्लीकेबल होती है, अप्लाई होती है, और बाउंड होती है वो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि वो टर्म एंड कंडीशन जो डिसाइड करी उनकी वायलेशन जब हो जाती है, जो कि बाइंडिंग थी, ठीक है, जो कि बाइंडिंग थी उन पार्टीज पर जो कि एग्री हुई थी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, ठीक है, जब उनकी वायलेशन हो जाती तब हम कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, व्हेन एनी पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो फेल हो जाती है फॉलो करने के लिए उन टर्म एंड कंडीशन को, तब हम कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या कुछ एग्जांपल है, तो बोले डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल सकते हैं आपके आसपास, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देखो कि किसी पर्सन ने, ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसने किसी पर्सन को, ठीक है, जॉब पर रखा, ठीक है, और जब जॉब पर रखा तो ऑफर लेटर में या उस एग्रीमेंट में कुछ एक टर्म कंडीशन बताई गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो पर्सन जो कि काम करने वाला व्यक्ति है, जो वर्कर जो है, उससे उसको जितना टर्म एंड कंडीशन बताया गया था, जितना उसको काम करने के बोला गया था कि आपको जो है वो 1 आवर जो है वो कंपनी में काम करना पड़ेगा, लेकिन बाद में उससे जो है वो 12 आवर तक काम लिया जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जा रहा है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कंपनी ने, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है, जो कर्मचारी और नियोक्ता है उनके बीच में उस अनुबंध का उल्लंघन जो है वो हुआ है, ठीक है। यहां पर बोला कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब एम्प्लॉयर ब्रेक करता है और मेनी ऑफ द टर्म, फॉर एग्जांपल के लिए योर एम्प्लॉयर डज नॉट डजंट पे योर वेजेस और वर्क जो भी एग्रीड आर जो है उन्होंने डिसाइड करा था कितने आर तक आपको काम करना पड़ेगा, आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, तो आप जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। अब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डॉक्टर डॉक्टर और पेशेंट, ठीक है। यहां पर बोला कि एक डॉक्टर क्या होता है ना, जब भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, तो दोनों ही एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। यहां पर जो पेशेंट होता है जब उसका ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है, तो वो कंपनसेट करता है एज अ फॉर्म ऑफ मेनली थ्रू द फीस के, मतलब एज अ फीस जो है वो डॉक्टर को पे करता है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ यदि ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो फेल हो गया, वो बाद में उस डॉक्टर की फीस ही नहीं दे पाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, ठीक है। और जैसे ही यदि डॉक्टर जो है वो उसको पेशेंट का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो वहां भी हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डॉक्टर और पेशेंट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर एंड सेलर के बीच में, देखो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब भी बायर और सेलर के बीच में, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये सेलर और बायर के बीच में। बोले जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना, बायर जो है वो यदि ऐसा हुआ कि उसने जो है वो कोई गुड्स जो है वो परचेज करी और वो गुड्स जो है वो या तो डिफेक्टिव उसको मिल गई या डैमेज प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो गया या लेट डिलीवरी हुई, तो वहां पर बायर के पास है राइट रहता है कि वो उससे रेमेडी ले सकता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में बायर एंटाइटल है सी करने के लिए रेमेडीज डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट के लिए, लेट डिलीवरी के लिए, वैसे ही और ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए वो क्लेम कर सकता है। वैसे ही जो है सेलर, यदि उसको उससे गुड्स तो ले लिए लेकिन उसकी पेमेंट ही नहीं करी, अनपेड सेलर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अनपेड सेलर जिसे कहते हैं, तो वहां पर वो उस अमाउंट के लिए जो है वो आपका बायर को जो है वो बायर से क्लेम कर सकता है, ठीक है, और वो अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर यदि इस टाइप का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर, तब भी हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट यदि टू कंपनीज के बीच में हुआ, देखो कि एक कंपनी बोला कि आप ना एवरी मंथ जो है वो क्या करते ना, हमें रॉ मटेरियल डिलीवर करते रहना, दूसरी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना के बेचती होगी, तो यहां पर बोले कि जब कंपनी कंपनी जिनके बीच में बिजनेस चला हुआ है, ठीक है, वो
क्या करते हैं वो अपनी परफॉर्म नहीं करते हैं, अपनी ऑब्लिगेशन जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करा है उनके अकॉर्डिंग जो है सही से काम नहीं करते हैं। या तो एक कंपनी ने अपना डिलीवरी तो कर दी उस सामान की, उस गुड्स की, लेकिन उसको पेमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, जो भी उसने इनवाइसेस दिए थे उसको डिलीवर किए थे तो उसके लिए जो है पेमेंट नहीं हो पाया, तो भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, देखो कि किराएदार और मालिक के बीच में भी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। देखो उसने जो है वो रेंट एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि यदि रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यदि टीनेंट रिफ्यूज कर देता है पे करने के लिए रेंट को और परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्शन उसको रेंट एग्रीमेंट में बताए गए थे, तब लैंडलॉर्ड के पास ये राइट रहता है कि आफ्टर नोटिस वो टर्मिनेट कर सकता है उस रेंटल एग्रीमेंट को। और इनकेस यदि लैंडलॉर्ड वायलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेंट एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ टीनेंट के साथ, तो टीनेंट भी जो है वो सीक कर सकता है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ठीक है, और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लॉयर और क्लाइंट भी हो सकता है। देखो एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने बोला था कि जी आप ना हमारा केस जो है वो देख लो, ठीक है, जब फाइनल हो जाएगा तो आपको पूरी पेमेंट दे दी जाएगी। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि वो जो क्लाइंट था वो फेल हो गया पे करने के लिए जो भी उसकी फीस बनती थी, रिक्वायर्ड जो उसकी फीस बनती लॉयर की उसको देने के लिए फेल हो गया। और यदि ऐसा हुआ, ठीक है, तब भी हम कहेंगे कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई। और दूसरे केस में हम ये भी दे सकते हैं कि कोई ऐसा क्लाइंट है, ठीक है, वो अपने लॉयर को बोलता है कि आप जो है वो ठीक है मैं आपको फीस दे देता हूँ 5,000 रुपीज, आप क्या करना जल्द से मेरा केस जो है वो फाइन कर देना। लेकिन ये क्लाइंट 3 महीने के बाद उसके ऑफिस में आता है और बोलता है कि वकील साहब आपने मेरा केस फाइल कर दिया, तो अब उसको देखने को मिलता है कि उसकी फाइल वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लॉयर और क्लाइंट के बीच में। अब टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमने देख लिया कि वहां पर वॉयलेशन होती है टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं हो रहा, जो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर रही थी उसकी वहां पर वॉयलेशन होती है, तब हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी होली भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकती है, पार्शली भी हो सकती है। तो बोला कि कोई भी टर्म जो है वो मेंशन करी गई है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जब उसको वॉयलेट किया जाता है तब हम कहते हैं कि ये ब्रीच हुई है यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्रीच जो है वो आपकी 4 टाइप की है, जिसमें एक्चुअल ब्रीच आता है, ठीक है, मटेरियल ब्रीच आता है, माइनर ब्रीच आता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच आता है, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है ना कि जिस चीज से रिलेटेड, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, आप जो है वो उसी को परफॉर्म करने, जो एक्ट आपने परफॉर्म करने के लिए बोला था उसी को परफॉर्म करने के लिए मना कर देते हो, ठीक है, वहां पर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और माइनर क्या है, एंटीसिपेटरी क्या है, इसको बॉन्ड डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला है तब आपको देखने को मिलता है जहां पर वन पार्टी फेल हो जाती है और रिफ्यूज कर देती है कंप्लीट जो भी उसकी ड्यूटी वहां पर मेंशन करी थी कॉन्ट्रैक्ट में, विद इन टाइम जो है उसको परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर देता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कॉमन एग्जाम्पल है कि एक बेंडर है, ठीक है, वो फेल हो जाता है सप्लाई करने के लिए गुड्स को ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट देन डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करे गए थे, ठीक है, उसको फेल हो जाता है वो सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक्चुअल ब्रीच हुई है। बात करें मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो मटेरियल ब्रीच आपको तब देखने को मिल सकती है जहां जब वन पार्टी जो है रिसीव करती है जितना उसको अमाउंट, मतलब जितना उसको बोला था कि आप जो है वो मेरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि ब्रीच ऑफ मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आपने जब अपना स्मार्टफोन ऑनलाइन देखा, परचेज किया उसको, ठीक है, तब आपने देखा उस वेबसाइट में मेंशन किया गया था कि आपको चार्जर मिलेगा, हेडफोन मिलेगा, फोन केस मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बाद में जब आपने ऑर्डर किया और आपको डिलीवरी हुई, तो इनबॉक्सिंग जब आपने करी तो आपने देखा कि कुछ एक एसेसरी जैसे हेडफोन उसमें नहीं था, चार्जर नहीं था, तो यहाँ पर मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ, ठीक है। तो ये मटेरियल ब्रीच ऑफ, मतलब जितना उसने रिसीव करना था उससे कम वो रिसीव करता है, तब हम कहते हैं ये मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर ब्रीच क्या होता है कि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन बहुत मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्ट, माइनर पार्ट जो है वो आपका रिमेन रह गया, इनकम्प्लीट रह गया,
ठीक है, माइनर ब्रीच ऑकर व्हेन पार्टी कंप्लीट करती है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कुछ एक स्मॉल सा पार्ट जो है वो आपका माइनर सा पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं आपका माइनर ब्रीच। ठीक है, कि यहां पर बोला कि एक पर्सन था, ठीक है, उस पर्सन ने बोला दूसरे पर्सन को, आर्किटेक्ट को, कि आप जो है वो मेरे घर को इस तरह से डिजाइन कर देना। उसने हर एक पॉइंट को तो ठीक रखा, उसने घर को अच्छे से डिजाइन कर, लेकिन कुछ एक पोर्शन में जो है वो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एक पोर्शन जो है वो, ठीक है, वो उसमें जो है उसने एज पर द एग्रीमेंट जो भी डिसाइड हुआ था, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहां पर काम नहीं किया। बहुत स्मॉल सा पोर्शन जो है वो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो आपका स्मॉल प्रोडक्ट क्या रह गया, स्मॉल पोर्शन जो है वो क्या रह गया हॉल डिजाइन का, ठीक है, जितना भी उसने डिजाइन डिसाइड करा था उसका जो है वो परफॉर्म नहीं हो सका। ठीक है, छोटा सा पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर क्या है, माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर पार्टीज को एक्नॉलेज, ठीक है, पार्टी जो है वो जो भी समय सीमा जो है वो उनके द्वारा डिसाइड करी गई है कि वो उस टाइम तक जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, लेकिन एक पार्टी क्या करती है ना, जो एग्री टाइम है, ठीक है, उससे पहले ही बोल देती है कि यहाँ इस दिन तक जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए क्या लगेगा, 4 and 5 days जो है वो और लगेंगे। जैसे कि आप ऑनलाइन कभी ऑर्डर करते हो, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि देखो कि आप जो है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो वहां पर कभी ऐसा हो कि आप जो है वो बार बार सर्च कर रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी, जैसा कि मेंशन करा था उस वेबसाइट में कि आप अभी ऑर्डर करते तो आपको विद इन 3 and 4 days जो है वो आपको डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है कि 4 and 5 days जो है और बोले जा रहे हैं कि और दिन लगेंगे इसको डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुई, एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई है, जिसे हम एंटीसिपेटरी अग्रिम उल्लंघन जिसे कहते हैं, जहां पर दोनों पक्षों ने जो सहमत किया था, जो लिमिट डिसाइड करी थी टाइम की, उससे पहले ही अनुबंध पूरा करने के लिए जो है वो आपका जो एग्री टाइम है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए इनसफिशियंसी जो है वो शो करता है। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टी जो है वो डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देती है दूसरी पार्टी को, या सिग्निफिकेंटली गेस्चर देके जो है, मतलब गेस्चर से जो है वो शो करती है कि या इस टाइम पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब बात करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वही है कि अनपेड सेलर यदि इसको पेड नहीं किया गया जो है उसका अमाउंट बनता है, तो वहां पर वो उसके पास राइट रहता है कि वो बायर को जो है वो अपनी अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है, और बायर को यदि कोई डिफेक्टिव या नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ है या लेट डिलीवरी हुई है, डैमेज हुआ है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डैमेजेस गुड्स को उसको जो है वो रिसीव हो गई है, तो वो अपनी इस उसके पास राइट रहता है, बायर के पास भी राइट रहता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। ठीक है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बात करें, सेक्शन 39 अलाउ करता है, ये बात कहता है, ये एक्ट का सेक्शन 39 अलाउ करता है कि वन पार्टी टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अनदर पार्टी रिफ्यूज करती है और अनेबल होती है टू कंप्लीट एग्रीमेंट एज पर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 73, 74, 75 डिफाइन करता है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगी। ठीक है, कि यदि ब्रीच हो जाती है तो उसकी क्या कुछ कंसिक्वेंसेज रहती है। तो यहाँ पर बोला कि रेमेडीज क्या क्या है, जब हमने जान लिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप भी जान लिए किस किस तरह से जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्जाम्पल भी जान लिए, अब बात करते हैं रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बोले कि वन पार्टी जो है वो यदि ब्रीच कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो क्या कुछ दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो क्या किस तरीके से रेमेडीज ले सकती है, कोई रिलीफ उसको चाहिए, डैमेजेस उसको चाहिए, ठीक है, डैमेजेस के लिए उसको क्लेम करना है तो वो किस तरह से कर सकती है, तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं अगेंस्ट द ब्रीचर, जिस पर्सन ने ब्रीच करा है उसके खिलाफ। ठीक है, पहला क्या है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए, इंजंक्शन मांग सकता है कोर्ट से, और क्वांटम मेरिट की भी यहां पर बात करी गई है। तो फर्स्ट है आपका रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कि रिसेशन क्या होता है ना, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, एक जब पार्टी जो है दोनों ही म्यूचुअल एग्रीमेंट से बोथ पार्टी क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है, कि वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को
और दोबारा से पुनर्गठन रिसेशन कर सकती है कि दोनों पार्टी ने डिसाइड करा अब जो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गई सो हो गई, ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ खत्म करते हैं और दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर विच नन ऑफ द पार्टी विल बाउंड टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था उसके लिए जो कोई भी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सेट करती है फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कि कोई वो अपनी आपसी सहमति से म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करती है, एक को कैंसिल करती है, और यदि वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहे रिसेशन करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। कभी कभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम रिसेशन के प्रोविजन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहले तो बोला कैंसिल कर देंगी वो, ठीक है, दोनों पार्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों पार्टी कैंसिल कर सकती है, ठीक है, और उसके बाद वो दोनों पार्टीज हैं, ठीक है, वो पार्टी रिसेशन भी कर सकती है दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है। दूसरा बोला सी यू फॉर डैमेजेस कि आप वो पर्सन, ठीक है, जिसको जिसने ब्रीच किया है आप उसके खिलाफ केस फाइल कर दो, ब्रीचर के खिलाफ केस फाइल कर दो, उसको सी यू कर दो, मुकदमा चला दो कोर्ट में, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिए। तो मोस्ट कॉमन रेमेडी है ये कि ब्रीच केस इज मैंडेटरी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ, ठीक है। अब बोला कि इंजंक्शन भी जो है वो ग्रांट मतलब कोर्ट से मांगा जा सकता है, यहाँ पर कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर भी दे सकते हैं, कहते हैं स्टे ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीनेंट और सेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, बार बार जो है वो टीनेंट और लैंडलॉर्ड, सॉरी, ठीक है, टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो बार बार क्या हो रहा है ना कि टीनेंट को लैंडलॉर्ड परेशान कर रहा है, ठीक है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट उनका 11 मंथ का एग्रीमेंट बना हुआ है कि तब तक वो टाइमली उसको पेमेंट करेगा, तब तक वो उस घर में रह सकता है, लेकिन लैंडलॉर्ड ना उसको ऐसे ही तंग कर रहा है ताकि वो घर छोड़कर चला जाए, मतलब उस रूम को छोड़कर जो भी उसने रेंट में लिया है, जो भी घर लिया है उसको छोड़कर चला जाए, तो यहां से वो कोर्ट से इंजंक्शन मांग सकता है ताकि स्टॉप किया जा सके, आप जो भी एक्शन कर रहे हो उसके लिए आपको स्टॉप किया जा सके जो कि रिलेटेड है किससे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और इंजंक्शन आपका टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, ये डिपेंडेंट करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस पर, ठीक है। इनकेस हम बात करें ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी की, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर और एंड द प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ पर कोर्ट जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है पार्टी को टू नॉट मेक एनी सेल परचेज और पार्टी, जब तक ड्यूरिंग द केस जो है वो हायरिंग ऑफ द केस चला रहेगा तब तक जो है आप कोई सेल परचेज नहीं कर सकते किसी भी, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का। क्वांटम मेरिट क्या है, ठीक है, यहां पर बोला है कि क्वांटम मेरिट में ऐसे मामले शामिल होते हैं जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को द्वारा पूरे किए गए कर्तव्य का लाभ जो है वो मिलता है। यहां पर बोला क्वांटम मेरिट इन्वॉल्व करता है इन केस वेयर वन पार्टी गेट करती है बेनिफिट, ठीक है, टू ड्यूटी फुलफिल्ड बाय द अनदर पार्टी, ठीक है, नाउ दे आर अनएबल टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, and somehow stop another party from completing the contract, ठीक है, यहाँ पर बोला कि लेकिन वे अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं और किसी अन्य पार्टी को अनुबंध पूरा करने से जो है किसी तरह से रोकते हैं, उन मामलों में अदालत जो है क्या कर सकती है, क्वांटम मेरिट जो है वो दे सकती है, ठीक है, कि which they get पेड अ प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वांटम मेरिट की बात करेंगे कि आपने जितना बेनिफिट उन पर्सन से लिया है ना तो आप उसका उतना पेमेंट उनको कर दो, ठीक है। बोला कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भी देखो कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया स्टार्ट किया, ठीक है, एक पर्सन को बोला कि आप जो है वो मेरे घर का कंस्ट्रक्शन वर्क कर दो, ठीक है, बाद में उसने बोला कि मेरे को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और मैं आपसे और ज्यादा काम नहीं करवा सकता, ठीक है, अब मैं इसको रोक देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि जितना उसने जिस आर्किटेक्ट ने जितना काम किया है जितना कंस्ट्रक्शन वर्क उसका करा है उसके लिए जो है उसको पेमेंट दे दिया जाए, जितने प्रपोर्शन में उसने वर्क डन किया है उतने में उसको भुगतान जो है वो दे दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोला है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि हायर करता है कॉन्ट्रैक्टर को फॉर द बिल्डिंग हिज हाउस, ठीक है, बट नाउ मिड में ही वो उस कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टॉप कर देता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द फर्दर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इन केस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो इंटाइटल है क्वांटम मेरिट के लिए, जितना भी उसने वर्क किया है ना उस पोर्शन के लिए, मतलब जितना उसने वर्क किया है उस पोर्शन के लिए जो है वो इंटाइटल है पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि उसको बोला गया कि आपको इतना काम करना है, वो हाफ ही काम करता है और उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया जाता है कि आप नेक्स्ट काम नहीं करोगे, तो वो इंटाइटल है कि उसने इतना काम किया ना तो उसके लिए वो पेमेंट ले सकता है, ठीक है, बस।
और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं तक था। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप डू लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट प्रिपरेटरी लॉ के लिए प्रिपेयर करें। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप के से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।